नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नुक्ताचीन। सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही एक जरूरी हिदायत, अगर आप दिवाली की छुट्टियों में हाउसफुल 4 देखने सिनेमा घर जाने की सोच रहे हैं तो उसकी जगह बेहतर फिल्म सांड की आंख देख लीजिए। नहीं तो नकली मावे से बनी मिठाई के बारे में आपने आज तक केवल सुना होगा, लेकिन हाउसफुल 4 देखना उस मिलावटी मिठाई को खाने जैसा कड़वा अनुभव बन जाएगा। वैसे तो आम धारणा है कि मीटर पर सिर्फ फिल्मी गाने ही लिखे जाते हैं, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लेखक ऐसे हैं जो मीटर पर डायलॉग भी लिखते हैं। साजिद खान और साजिद फरहाद कुछ ऐसे ही सज्जनों की श्रेणी में आते हैं जो संवादों में काफिया मिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए आपको उनकी लिखित और निर्देशित हर फिल्म में सस्ते स्तर के ही संवाद मिलेंगे। अक्षय कुमार की ताजातरीन पेशकश हाउसफुल 4 भी कुछ अलग नहीं है। कॉमेडी फिल्मों की जहां संवाद जान होते हैं, वहीं इस फिल्म के संवाद कई जगह हमारी जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। कुछ एक पर गौर फरमाइए। एक जगह कुछ लोगों को मारने के बाद बॉबी देओल बोलते हैं, आज मेरा फास्ट है इसीलिए थोड़ा स्लो मारा। कुछ आगे चलकर पैसों की कमी की बात आने पर बॉबी या रितेश में से कोई कहता है, यस बैंक वालों ने लोन देने से नो कर दिया। थोड़ा और आगे जाकर तीनों हीरो छिछोरों की तरह बर्ताव करने लगते हैं और तीनों नायिकाओं से पूछते हैं, 22 से पहले क्या आता है? वे कहती हैं 21। तीनों कहते हैं 21। लेकिन अश्लीलता यही नहीं रुकती और इसके फौरन बाद तीनों नायक एक चुम्मा तो बनता है जैसा सड़क छाप गीत भी गाने लगते हैं। इसलिए हाउसफुल 4 में कई कई बार आने वाली ऐसी फुहरता को देखकर कभी कभी लगता है कि अक्षय कुमार को आज भी 90 के दशक की अपनी पुरानी अफलातून फिल्में बहुत याद आती हैं। इसलिए वे बार बार सोशल मैसेज देने वाली फिल्मों से लौटकर इस तरह की छिछोरी हरकतें करने वाली फिल्मों में मग्न हो जाते हैं। यहाँ संवादों पर इस तरह तफसील से बात करने की वजह बस यही बताना है कि हाउसफुल 4 भले ही आपके सामने फरहाद सामजी के निर्देशन में पेश की गई है, लेकिन इसके चप्पे चप्पे पर हिम्मत वाला और हम शकल्स वाले साजिद खान के ऑफेंसिव ह्यूमर की छाप साफ मौजूद है। वैसा ह्यूमर जो सेक्सिस्ट होता है, डबल मीनिंग होता है, थर्ड जेंडर को ह्यूमिलिएट करता है, होमोफोबिक होता है और मीटर पर चढ़े सस्ते संवादों के सहारे खुद को बेचता है। एक सीक्वेंस भी खास तौर पर चुभता है। इसमें एक नायिका एक हीरो पर रेप करने का झूठा इल्जाम लगाती है ताकि हीरो उससे शादी कर ले। ये होता हल्के फुल्के ह्यूमर की टेक लेकर है, लेकिन सुधी दर्शकों को आसानी से इसका सबटेक्स्ट समझ आ जाएगा। मीटू मूवमेंट में साजिद खान का कई बार नाम आने के बाद तो कम से कम फिल्म को इस तरह के सेक्सिस्ट और ऑफेंसिव दृश्यों से बचना चाहिए था। थोड़ा ज्यादा जिम्मेदार होना कोई बुरी बात नहीं होती है। बाकी फिल्म में खलनायक रंजीत की पुरानी इमेज को फिर से बनाया गया है। पुराने गानों को संवादों की तरह बोला गया है। आलिया भट्ट और नील नितिन मुकेश जैसे सितारों का मजाक उड़ाया गया है। एक लड़की की जबरदस्ती मांग भर दी गई है। कबूतरों की पॉटी से दिल लगी की गई है। रितेश देशमुख का डांसर किरदार फेमिनिन अदाएं क्यों लिए है इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है और हम सबके प्यारे नवाज को पूरी तरह व्यर्थ करने का कुफ्र भी इसी फिल्म ने किया है। कॉमेडी फिल्मों का एक सब जॉनर होता है पैरोडी फिल्में। पैरोडी फिल्म्स या स्पूफ फिल्म्स ऐसी कॉमेडी फिल्में होती हैं जो मशहूर फिल्मों और स्थापित ट्रेंड्स का मजाक बनाकर दर्शकों को हंसाती हैं। जैसे हॉलीवुड की मशहूर पीरियड एक्शन फिल्म 300 पर स्पूफ बना था मीट द स्पार्टन्स, इसने दर्शकों को खूब हंसाया था। वहीं तमाम पुरानी जॉम्बी फिल्मों की पैरोडी शॉन ऑफ द डेड में की गई थी। उस ब्रिटिश फिल्म ने तो जॉम्बी जॉनर को सिर के बल ऐसे उल्टा था, ऐसा सबवर्ट किया था कि उस फिल्म के बाद कई देशों में इस तरह की कम बजट की जॉम्बी फिल्में बनना शुरू हो गई थी। हमारे यहाँ बनी पहली जॉम्बी फिल्म गो गोवा गॉन भी उसी फिल्म से प्रभावित थी। हाउसफुल 4 का ट्रेलर देखकर लगा था कि ये फिल्म भी बाहुबली, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी और मगधीरा जैसी एक्शन पीरियड फिल्मों का स्पूफ बनाकर कुछ दिलचस्प सिनेमा पेश करने वाली है। फिल्म में इसकी संभावनाएं भी थी कि वो मौजूदा दौर की पीरियड फिल्मों पर मारक पैरोडी रख सकती थी, लेकिन उसने खुद की पुनर्जन्म वाली कहानी को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ट्रीट किया और पैरोडी तथा स्पूफ वाले तौर तरीकों का उपयोग केवल बीच बीच में थोड़ी बहुत मात्रा वाले हास्य को पैदा करने के लिए किया। ये हास्य कई जगह आपको गुदगुदाता जरूर है, लेकिन ये मौजूदा दौर के हिंदी टेलीविजन के स्तर का हास्य है
और उसके लिए महंगी टिकट खरीद कर सिनेमा घरों तक जाना बनता ही नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। हाउसफुल 4 वैसे तो भव्य स्तर पर बनी फिल्म है और सेट से लेकर VFX तक पर खूब खर्चा किया गया है। 600 साल पहले के पीरियड को अच्छे से रिक्रिएट करते वक्त आपको जानबूझकर यह एहसास कराया जाता है कि यह फिल्म बाहुबली से लेकर बाजीराव मस्तानी तक का स्पूफ है, लेकिन फिर कहानी के थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको समझ आ जाता है कि इस फिल्म को पैरोडी सिनेमा के व्याकरण की समझ बेहद कम है और बॉलीवुड एक बार फिर खिचड़ी ही पकाने वाला है। यानी कि हास से एक्शन, कंफ्यूजन और पुनर्जन्म को मिलाकर कॉमेडी ऑफ एरर्स का नाम खराब कर पुरानी बासी मसाला फिल्म ही एक बार फिर पकती है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2019 का सिनेमा देख रहे हैं या 1999 का। अभिनय के मामले में अच्छे अभिनय की बस झलक भर मिलती है। रितेश देशमुख जब 600 साल पुराने डांसर बनते हैं तो शारीरिक मुर्कियों और हाव भाव को निराले अंदाज में धारण करते हैं। अक्षय कुमार हेरा फेरी के स्तर की कॉमेडी तो नहीं करते, लेकिन राजकुमार बाला और आज के दौर के भुलक्कड़ हैरी के किरदारों को एक दूसरे से बिल्कुल जुदा रखने में सफल होते हैं। अक्षय के अभिनय की रेंज का यकीनन बहुत विस्तार हुआ है और फिल्म चाहे वे कितनी भी साधारण करें, लेकिन आजकल उनके अभिनय के चलते आप आखिर तक फिल्म से जुड़े जरूर रहते हैं। इन दोनों के अलावा बॉबी देओल को केवल अजीब अजीब से मुंह बनाने का काम दिया गया है। फिल्म के मेकर्स को शायद याद नहीं रहा होगा कि बॉबी देओल ने यमला पगला दीवाना नामक फ्रेंचाइजी की 3 फिल्मों में ओवर द टॉप कॉमेडी की हुई है। अगर याद होता तो शायद उन्हें भी हाउसफुल 4 में थोड़ी बहुत कॉमेडी करने का अवसर जरूर मिला होता। बाकी फिल्म में 3 हीरोइनें हैं जो इतनी एक जैसी दिखती हैं कि शुरुआत में यह पता करने में वक्त लग जाता है कि लंदन में रहने वाले अक्षय कुमार की प्रेमिका कृति सेनन है या पूजा हेगड़े। इसी बात से समझा जा सकता है कि फिल्म अपनी तीनों नायिकाओं को इंडिविजुअल आइडेंटिटीज देने में असफल रहती है। इस फिल्म पर साजिद खान के प्रभाव का यह एक और उदाहरण है, क्योंकि उनकी ज्यादातर फिल्मों में 3-4 नायिकाएं मौजूद होती हैं और उन्हें केवल खूबसूरत दिखकर शोपीस बनने और बुद्धू की तरह बर्ताव करके हास्य पैदा करने के लिए ही उपयोग किया जाता है। इस फिल्म में भी तकरीबन यही होता है। मेरी तरफ से हाउसफुल 4 यानी कि बोर मल्टीप्लाई बाय 4 को केवल 1.5 स्टार। अगर समीक्षा पसंद आई हो और बाकी फिल्मों पर की गई नुक्ताचीनी भी दिल में जगह बना रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे दिवाली का रिटर्न गिफ्ट जरूर दीजिएगा। घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि जब वीडियो पते पर पहुंचे तो घर पर कोई मौजूद मिले। धन्यवाद।